कीटनाशक के छिड़काव से मिट्टी में इतने जहरीले रसायन मिल चुके हैं कि अनाज का हर दाना जहरीला है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार खेतों में छिड़क दिए जाने के बाद ये जहर 100 साल तक नष्ट नहीं होते। आप फलों और सब्जियों को चाहे जितना धो लें, जहर आपके पेट में पहुंच ही जाएगा। और आपके शरीर में समाकर आपके शरीर को धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देगा। दिल्ली के डॉक्टर बीडी बैनर्जी इन जहरीले कीटनाशकों पर 2 दशकों से भी लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं। किसान ने किसी भी पेस्टिसाइड का यूज किया, उसने तो अपने फायदे के लिए, क्रॉप को बचाने के लिए, उसको नहीं पता है कि ये जो दवाई वो डाल रहा है वो आज चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, कितने सालों में खत्म होगा। जनरली इसका हाफ लाइफ जो होता है, इट इज समथिंग बिटवीन 50 इयर्स टू 150 इयर्स। जहरीले कीटनाशकों के छिड़काव से फसल अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इन फसलों में लगे कीड़े मर जाते हैं और कीड़ों को मारने के बाद ये जहर अनाज के दानों, सब्जियों या फलों में हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाता है, जो आसानी से हमारे खाने के साथ हमारे शरीर में आ जाता है। कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड्स, इनमें जो जहर कीटों के नाश के लिए मिलाया गया वो पहले हवा में घुला, हवा के जरिए पहुंचने लगा गांव के लोगों की सांस में, अनाज और फलों के जरिए वो पहुंच गया खाने वालों के जिस्म में, और पानी के जरिए हमारी नसों में पहुंचकर हमारे लहू के साथ रगों में दौड़ने लगा। किसानों तक को पता नहीं था कि वो जहर के व्यापार का हिस्सा बन गए हैं। यह बाजार में जहर के व्यापारियों की ताकत थी कि जहर आसानी से हमारी नस नस में घुलता चला गया। फसलों में या सब्जियों में छिड़काव किए जाने वाले जहर इतने असरदार होते हैं कि धोने और उबालने के बाद भी ये हमारे खाने में मौजूद होते हैं। हमारे जमाने में जो खाना बनाते थे हम, उसमें बहुत मिठास होती थी, सुगंध होती थी, खाने में अच्छा लगता था, दुगना खाना खा जाते थे हम, लेकिन अब वो चीज नहीं है।